अपना उपाय के हो औलाद को नहीं दी हो भूखा नहीं, अगर दिक्कत होती है तो पानी बनाओ उपाय। तो दादा ये बताइए कि कैसरगंज लोग मतलब कैसरगंज से कौन जीतेगा इस बार? ब्रजभूषण शरण सिंह। ऐसा क्यों? हिंदू हृदय सम्राट नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह हमारे, वही जीतेंगे इस बार। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें बीजेपी वो सीट देगी या नहीं देगी? बीजेपी को टिकट देना चाहिए, अब बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर बीजेपी उनको सीट टिकट नहीं दे रही है, सबसे गणमान्य नेताओं में से सबसे अग्रणी ब्रजभूषण शरण सिंह। तो आप बताइए कुछ भैया। देखिए, ब्रजभूषण को टिकट दे या ना दे, वोट हम लोग उन्हीं को देंगे। अगर उनको बीजेपी वोट नहीं, टिकट नहीं दे रही है तो निर्दलीय लड़े, और अगर समाजवादी टिकट दे रही है तब भी हम लोग वोट देंगे, क्योंकि अवध क्षेत्र के जो ब्रजभूषण हैं वो आन शान मान है, और उनको हम लोग 15 साल से जानते हैं, 15 साल से हमारे यहाँ कैसरगंज से लोकसभा सांसद भी हैं लगातार, और इस बार हम चाहते हैं कि बीजेपी उनको टिकट दे, क्योंकि हम लोग वोट उन्हीं को देंगे। अगर वो नहीं लड़ रहे हैं, अगर तो निर्दलीय लड़ने का टिकट नहीं मिल रहा है तो राकेश भैया से पूछे कि वो तो बता रहे हैं ब्रजभूषण ही निकलेंगे, मतलब बीजेपी उनको दे सीट या ना दे वो निर्दलीय लड़ेंगे, तो आप क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में? नहीं, हमारे नेता ब्रजभूषण ही है और नेताजी को ही टिकट मिलना चाहिए। उनका कार्यकाल कैसे रहा है अब तक का, 15 साल का? बहुत अच्छा। ऐसे आप कैसे कह सकते हैं भैया जी? सबसे बड़ी बात है कि पार्टी बेस, हम लोग पार्टी बेस कैंडिडेट को हमने नहीं चुना है, ब्रजभूषण का अपना व्यक्तित्व है उसे। तो भैया जी आप क्या कहना चाहते हैं ब्रजभूषण के बारे में? दादा आप बिल्कुल मुंह सुखाए हुए खड़े हैं, आप कुछ तो इसमें हमारे वर्चस्व, हमारे नेता लीडरशिप कर रहे हैं। अर्पण दादा ने जैसा इस कैंपस, जो हम कैंपस में, जिस कैंपस में है इस समय, इसमें इस कैंपस में जो अर्पण दादा है वो डीन है यहाँ के, वो उन्होंने बेसिकली जिस वर्चस्व को, अपनी बातों को जिस तरीके से रखा है उससे हम पूरी तरीके सहमत हैं। आप ब्रजभूषण के बारे में एक लाइन में बोलेंगे आप? हमारी पूरी टीम जैसा अर्पण दादा का निर्देशन हो, तो टीम के अनुसार टीम थोड़ी आपका हेल्प करती है, मतलब आपका नेता कैसा होना चाहिए? आप यहाँ के सांसद ब्रजभूषण है तो उनके बारे में एक लाइन बोलना पड़ेगा आपको। ब्रजभूषण से कोई दिक्कत नहीं, ब्रजभूषण एक बेहतर नेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उनकी छवि बेहतर है, और अगर देखें तो उनके कार्यकाल में जो अवध प्रांत है उस अवध प्रांत में उन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने काफी हद तक जो है अपने अवध प्रांत को आगे बढ़ाया है। बाकी अर्पण दादा ने जैसा कहा वो सब बेहतर ही है, अगर नेताजी को टिकट मिलता है तो हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, और भाजपा को तो हम लोग पहले से सपोर्ट कर ही रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इस बार तो चलते हैं लेकर भैया के पास। तो दादा वहाँ पे सब लोग बोले कि मतलब आप ही, आप जो जिस नेता को वोट देंगे वो सब उन्हीं के पीछे रहेंगे, आपका क्या कहना है? नहीं ऐसा नहीं होता, अपनी अपनी पसंद है, नेताजी हमारी पसंद है, और मैं नेताजी को वोट दूंगा। नेताजी का वोट देने का मतलब यह कतई नहीं कि मैं कहूँगा, मैं भाजपा को पसंद करता हूँ, और भाजपा से ज्यादा मैं हिंदू युवा हृदय सम्राट, मैं ब्रजभूषण शरण सिंह नेताजी को पसंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी।